चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया आज, तो भाई देर से आए पर दुरुस्त आए, और ये जो है उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री का। और ये किसानों को मुबारकबाद के पात्र हैं, वो किसानों की जीत हुई इतना लंबे संघर्ष के बाद। साथ ही साथ ये भी है, ये है किसानों के संघर्ष की जीत, किसानों की जीत है। और भी मुद्दे हैं, वो आपस में बैठ कर उनका समाधान निकालना चाहिए, उनका डायलॉग शुरू करनी चाहिए, खेती को लाभदायक बनाने की तरफ हमारे कदम उठाना चाहिए। आज के दिन खेती लाभदायक नहीं है, वो लागत बहुत है, आमदनी कम है। अच्छा सर, एक जिस तरह से सैकड़ों किसानों की मौत भी हुई है उस पर कोई चर्चा नहीं, आप क्या मांग करते हैं? देखिए, हरियाणा से जितने किसानों की मौत हुई बॉर्डर पे हुई, CLP की तरफ से हमने मदद करी, और उस समय भी हमने कहा था कि हरियाणा सरकार को चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने भी किया, उनके परिवारों से एक एक नौकरी देनी चाहिए और कंपनसेट करना। अच्छा सर, जिस तरह से पंजाब और UP समेत कई राज्यों में चुनाव है, आप मानते हैं कि BJP इन चुनाव को लेकर बैकफुट पे आई है? देखो, प्रजातंत्र है, ये चुनाव भी एक कारण होता है फैसले का। किसान अभी कह रहे हैं कि जब तक जो MSP वापस नहीं हो, कंप्लीट नहीं होगी, दोबारा से नहीं देगी सरकार, पूरा नहीं करेगी, उसके साथ साथ जो किसान शहीद हुए हैं उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे। वो तो मैंने कहा है भाई, हरियाणा में मैंने कहा, मैं तो असेंबली में भी जो श्रद्धांजलि जो उनको जब और शहीदों का दर्जा देते साथ दी थी उनको, और उस टाइम मैंने ये मांग रखी थी कि हरियाणा में जितने किसान गुजरे उनको शहीद का दर्जा देके, जब तक उनके बच्चों को नौकरी, कह रहा हूँ एक एक नौकरी देनी चाहिए और कंपनसेशन देना चाहिए उनको। हमने तो अपनी तरफ से पार्टी CLP ने सबके जो भी मदद हो सकी थी वो की।